वालेकुम क्लास, चले अब आज अपने चैप्टर अगेन 6 पे। ऑल दो ये आपके चैप्टर 5 का ही कंटिन्यूटी पोर्शन है, चैप्टर 5 के बाद आपका ये सेकंड पोर्शन ऑफ एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, जिसको चैप्टर 6 हम कह रहे हैं, इसके एमसीक्यूज पे आ रहे हैं। सेकंड पार्ट है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का। फर्स्ट एमसीक्यू से ऑनवर्ड हम डिस्कस कर रहे हैं। थोड़े से छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, अगर आपने अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ लिया है तो ऑटोमेटिकली सारे एमसीक्यूज आपको आते हैं। पहले एमसीक्यू में कहा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉर्न डिजीज इज ऑफ वायरल ओरिजन। जो वायरल ओरिजन का मतलब ये होता है जो एक जगह से दूसरी जगह आराम से फैल जाए। फॉर एग्जाम्पल, आपको नजला जुकाम होता है, तो अभी आप इस बीमारी से मुबतला हैं, उसमें आप परेशान हैं, आपके बराबर में जो लोग बैठे होंगे अगले दिन या 2-3 दिन के बाद उन्हें भी यही सेम बीमारी हो जाएगी, वो भी आपकी तरह छींकना खांसना शुरू कर देंगे। ये वायरल इन्फेक्शन या वायरल डिजीजेस जो होती हैं वो एक से दूसरे को लगती है। जैसे कोविड आपके पास जो गुजरा है उसमें एक इंसान से बीमारी दूसरे इंसान को लग गई। ये जो इस तरह की बीमारियां हैं उन्हें कहा जाता है ये वायरल डिजीजेस हैं। तो ये इनका ओरिजन भी दायरे वायरल ओरिजन है। वायरल ओरिजन हमें नहीं पता कहाँ से शुरू हुआ, बस ये एग्जिस्ट करता है। ये एक सेल से दूसरे सेल वायरस आपका आराम से ट्रैवल करता है, ट्रांसफर होता है। तो आपके पास इनमें से कौन से हैं? टाइफॉइड आपका जो बुखार है, जिसको हम हड्डियों का बुखार भी कहते हैं यहाँ पर पाकिस्तान में उर्दू जुबान में, तो टाइफॉइड आपका इस तरह से नहीं फैलता। अगर आपका वो फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया या वायरस है तो आप ही बीमार होंगे, आपसे दूसरे को बीमारी नहीं लगेगी। पोलियो, ये भी अगेन वायरस तो है लेकिन ये वायरल इन्फेक्शन या वायरल डिजीज नहीं है। डायसेंट्री आपने पढ़ा था, ये आपके इंटेस्टिनल गैस्ट्रो इंटेस्टिनल बीमारी है, ये भी इस तरीके से नहीं होती एक से दूसरे को फैल जाए। डायरिया एक बचा, ये हो सकता है वायरस, ये डायरिया गंदा पानी पीने की वजह से हो रहा था तो वायरस पानी के थ्रू आप तक आ गया। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका दुरुस्त है। किताब में पढ़ेंगे तो ये आपको मिल भी जाएगा, जो लास्ट हमने डिजीज वाला पोर्शन पढ़ा था। सेकंड ऑप्शन, सेकंड बल्कि एमसीक्यू का हुआ है, हाउ मच परसेंटेज ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। तो पूरी दुनिया में जो पानी है वो 70% हमने पढ़ा था। पूरी दुनिया में 30% आपके पास लैंड है और बकिया 70% वाटर है, इन द फॉर्म ऑफ ओशंस, आइसकेप, ग्लेशियर्स, ये सारी चीजें। तो 70% ए ऑप्शन दुरुस्त है। थर्ड में कहा हुआ है, विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज फाउंड बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स। पानी के मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स कौन सी है इनमें से? तो पानी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, तो इसका दुरुस्त ऑप्शन हाइड्रोजन बॉन्डिंग ए है। आयनिक बॉन्ड होता नहीं है, साथ साथ बाकी भी पढ़ा रहा हूँ। आयनिक बॉन्ड तो जाहिर है बिटवीन एटम्स होता है, यहाँ बिटवीन मॉलिक्यूल्स बोला है, और इटसेल्फ वाटर के अंदर आयनिक बॉन्ड नहीं होता, कोवलेंट बॉन्ड होता है लेकिन वो बिटवीन एटम्स है। यहाँ बात हो रही है पानी एक मॉलिक्यूल है और दूसरे पानी के मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कौन सी है? तो जाहिर है वो आपके पास यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। फोर्थ पे आ रहे हैं, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, इनमें से जितने भी आपके पास बाई कार्बोनेट HCO3, ये सारे टेम्पररी हार्डनेस क्रिएट करते हैं। जो क्लोराइड्स और सल्फेट्स हैं वो परमानेंट करते हैं, तो यहाँ एक ही सल्फेट गिवन है तो वो सल्फेट वाला आपका ऑप्शन दुरुस्त है, ए पार्ट आपका ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ पे बात कर रहे हैं, फिफ्थ में कहा हुआ है, हाउ मच फ्रेश वाटर इज प्रेजेंट ऑन अर्थ। तो हमने पढ़ा था कि सिर्फ 3% आपका फ्रेश वाटर एग्जिस्ट करता है, उस 3% में से भी 1% ड्रिंकेबल है, हम उसको पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बकिया 2% जमा हुआ है इन द मेनी फॉर्म्स, या वो एटलीस्ट ह्यूमन के लिए एक्सेसिबल नहीं है। तो ये भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए, 3% जो आपका बी ऑप्शन है दुरुस्त है। सिक्स के ऊपर बात कर रहे हैं, सिक्स में कहा हुआ है, विच सॉल्ट आर एक्सेसिवली डिजोल्व टू मेक टेम्पररी हार्ड वाटर। इनमें से कौन से सॉल्ट हैं जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ टेम्पररी हार्ड वाटर बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? तो फर्स्ट में आपको सल्फेट्स और क्लोराइड्स नजर आ रहे हैं, इसका मतलब ये परमानेंट क्रिएट करेंगे, परमानेंट हार्डनेस। सेकंड में आपको पोटेशियम नाइट्रेट और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये तो एक एसिड और एक बेस मुझे नजर आ रहा है, ये तो ऑप्शन ही निकाल दें। थर्ड में आपको कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी हटा दें। कैल्शियम कार्बोनेट तो इनसॉल्युबल है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो हमने क्लार्क्स मेथड में यूज किया था।
ये भी हटा दें। डी ऑप्शन बचा वो दुरुस्त है, क्योंकि दोनों के पास बाइकार्बोनेट है और टेम्पररी हार्डनेस के लिए बाइकार्बोनेट्स चाहिए, तो ये आपका ऑप्शन दुरुस्त है। सेवन पे आ रहे हैं, वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट। बाकी मैं पढ़ भी इसलिए नहीं रहा क्योंकि ये आपने पहले पढ़ रखा है इस चैप्टर में भी, लेकिन इससे पहले जो चैप्टर्स हैं उसमें भी। वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट क्योंकि ये पोलर कंपाउंड है, पोलर कंपाउंड आप लोगों को पता होना चाहिए। बाकी आप लोग पढ़ लें, और कुछ इसमें दुरुस्त नहीं है। एम्फो टायरिक अगर यहाँ लिखा होता, एम्फो टायरिक इन नेचर है वाटर आपका, लेकिन वो भी ऑप्शन नहीं है। सिमिलरली एट पे आ जाए, द टेस्ट ऑफ वाटर इज, ये भी हमें पता है टेस्टलेस। आज तक हमें वाटर का टेस्ट ही नहीं पता क्योंकि वाटर का कोई टेस्ट ही नहीं होता। हाँ उसमें अगर आप मिनरल्स डाल दें तो मिनरल्स का टेस्ट आएगा, पानी कभी आपको कड़वा कभी खारा इस तरह का अजीब सा लगता है, वो उसके अंदर डिजॉल्व मिनरल्स की वजह से होता है इटसेल्फ। पानी का अगर आप प्योर वाटर पी लें, कभी बारिश हो तो साबुन ना लेके जाएं उस वक्त, आप सिर्फ जाके एक गिलास में पानी भर लें, या वैसे ही अपना मुंह छोटा सा या बड़ा सा जैसा भी है खोल के पानी पी लें, वो जब आप बारिश का पानी पियेंगे आपको कोई टेस्ट महसूस नहीं होगा। अनलेस के आप एसिड रेन में गए तब तो आप एसिड पी रहे हैं ना, तब तो एक अलग चीज है, लेकिन अगर आप पानी पी रहे हैं दैट इज प्योर वाटर, प्योर H2O, वो टेस्टलेस है। नेक्स्ट पे आ जाए, गालबन आखिरी है, नाइन्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेल्पफुल फॉर रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस इनमें से किस में से आपने निकाली थी? मेरे हिसाब से तो आपने जो पहला ऑप्शन है Na2CO3 वॉशिंग सोडा, इसके थ्रू अपने परमानेंट हार्ड वाटर को सॉफ्ट हार्ड सॉफ्ट वाटर में, तो परमानेंट हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट विद द हेल्प ऑफ वॉशिंग सोडा, ये आपको याद होना चाहिए। ए ऑप्शन दुरुस्त है। बी ऑप्शन क्लार्क्स मेथड में यूज किया था टेम्पररी हार्डनेस रिमूव करने के लिए। कैल्शियम कार्बोनेट तो बनता है इनसॉल्युबल, वो नीचे बैठ जाता है। Na2SO4 ये आपको मिलता है जब आप परमानेंट हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करते हैं, तो आपको ये मिलता है। अगेन दिस इज ऑल्सो इनसॉल्युबल, तो ये पानी में बैठ जाता है। तो ये आपके सिंपल से छोटे छोटे एमसीक्यूज से, अगेन वही जुमला रिपीट करूंगा दोबारा कि आपके एमसीक्यूज सिर्फ इतने से नहीं है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपने बुक के एमसीक्यूज कवर कर लिए तो अब आपके पूरे एमसीक्यूज की तैयारी होगी, अब एग्जाम में इन्हीं में से आएगा, एग्जाम में कहीं से भी आ सकता है। तो सबसे बेहतर ये होता है कि आप अपनी बुक रीडिंग की प्रॉपर आदत बनाएं, बुक में एक एक जुमला एक एक लफ्ज जो लिखा हुआ है उसको, जो अगर आपको लगता है खुद से कि आ सकता है एमसीक्यू बन के, तो आप उसे हाईलाइट कर लें या आप पेंसिल से उसको अंडरलाइन कर लें, लेकिन बुक रीड करें और आपको हर कॉन्सेप्ट प्रॉपर क्लियर होना चाहिए। अगर क्लियर होगा कोई मसला ही नहीं है, फिर कहीं से कुछ भी आ जाए, आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है आप उसका दुरुस्त जवाब दे देंगे। आपको अपना नाम जिस तरीके से बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, आपको पता है आपका नाम क्या है, अब चाहे दुनिया में कोई भी इंसान आपसे आपका नाम पूछे, चाहे वो अलग अलग जुबानों में पूछे या किसी भी तरीके से पूछे, आपसे अगर कोई इंसान आपका नाम पूछ रहा है आपको क्लियर है अपना नाम, तो आप आराम से बताएंगे। आपको अपने घर का एड्रेस पता है, आपसे वो दुनिया के किसी भी इलाके में किसी भी शहर में खड़े होकर आपसे पूछे, आपको अपने घर का एड्रेस प्रॉपर पता है, आप उसे प्रॉपर गाइड कर देंगे। सिमिलरली अगर आपको अपने टॉपिक के बारे में प्रॉपर पता है, तो आपसे कोई भी उस टॉपिक से रेलेवेंट सवाल पूछ लें, तो आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है आप उसका जवाब भी दुरुस्त दे देंगे। तो एमसीक्यूज अब आपका जब चैप्टर 7 पढ़ाऊंगा तो उसके एंड में एमसीक्यूज के डिस्कस करेंगे, तो हर चैप्टर के एंड में अब हम अगले अगले एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे होंगे। बहरहाल अभी तक कोई कंफ्यूजन है तो बेटा डिस्कस कर लें।